और हमको ये नहीं चाहिए, ये भी एक इच्छा है। इच्छा ही चाहती है और इच्छा ही नहीं चाहती है, न चाहना भी इच्छा ही, इसी से ये सब जो निकलता है। हमको बचपन की याद है, हमारे चाचा हमको दूर बिठाते थे, तो हम लेने के लिए उनकी ओर जाते तो वो हाथ उठा देते ऊपर, एक बार दो बार हम लपकते और वो नहीं देते तो हम फिर कहते हमको चाहिए, हमको चाहिए। अब चाहिए नहीं पर सारा झगड़ा खत्म हो जाता, वो फिर लाके देना तो उनको होता ही, स्वयं अपना हाथ नीचे करके दे देते थे। तो ये इच्छा मात्रात्मको बंधा, बंधन किसको कहते हैं, बंधनम बंधा, बंधन किसको कहते हैं, तो हम चाह के बंधन से, इच्छा के बंधन से बंधे हुए हैं। संसार में हम जिस वस्तु को चाहते हैं उससे छूटने में कष्ट होता है। तब क्या वो चीज रस्सी से बांधती है, जंजीर से बांधती है, कोई उसमें चुंबक है या नहीं, हमारी इच्छा ही उन चीजों के साथ लटकती है, और इच्छा पूरी हो जाए तो कोई देर के लिए तृप्ति होती है, और यदि इच्छा न पूरी हो तो और प्यास लगती है और तकलीफ होती है। इच्छा मात्रात्मको बंधा तन्नाशो मोक्ष उच्यते, इच्छा का नाम है बंधन और इच्छा की निवृत्ति का नाम है मोक्ष। तो शब्द सीधे सीधे वासना एव संसारः इति सर्वा विमुंचता, वासना का नाम संसार है, यदि वासना मिट गई तो संसार का कोई बंधन नहीं रहा। बाहर की चीज नहीं बांधती है, भीतर की चीज बांधती है। ये इच्छा और द्वेष, हम चाहते क्या है, ईश्वर को, संसार को। जाने वाली चीज, मरने वाली चीज, बेवफा, बहुत करके तो हम ऐसी चीजों को चाहते हैं जो हमको पहचानती ही नहीं है, जैसे चांदी है, सोना है, हीरा है, मोती है, ये तो जड़ पदार्थ हमको पहचानते नहीं कि हमको चाहने वाला है, ये हमको पाकर खुश होता है, ये हमारा मालिक बन के अभिमान करता है। ऐसी चीजों को हम चाहते हैं जो हमको जानती ही नहीं है कि हम उनको चाहने वाले हैं, उनके इच्छुक हैं, उनके अभिलाषक हैं, जानती नहीं है, परंतु हमारी चाह ही हमको, हमारी इच्छा ही उनके साथ बात करके रखते हैं। आपको कभी तकलीफ हो तो आप जरा एक नजर डालना, एक निगाह कर लेना कि ऐसी क्या चीज है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं और मुझे तकलीफ हो रही है। कुछ न कुछ आप पकड़े रखना चाहते हैं, इसलिए तकलीफ है। और द्वेष, देखो द्वेष तो दूसरे प्राणियों से करते हैं, हमारे भक्ति सिद्धांत में ऐसा कहते हैं, खास करके भागवत सिद्धांत में, कि सब में परमात्मा है और सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सबसे परे परमात्मा है, सबका साक्षी परमात्मा है,
और परमात्मा को प्राप्त कर लो तो परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। विश्वाय तदुपद्रष्टवे तत्कर्त्रे स्यच हेतवे। भागवत का श्लोक है, भगवान विश्व है, भगवान विश्व का कारण है, भगवान विश्व में व्याप्त है, भगवान विश्व से अतीत है, भगवान सर्व साक्षी है और भगवान में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवान ने एक बात भागवत में सुनाई है, अहम वा सर्वभूतेषु भूतात्मा वस्थित सदा। मैं संपूर्ण वस्तुओं में और प्राणियों में उन वस्तुओं और प्राणियों के आत्मा के रूप में उनके मैं का साथ, सबका अलग अलग मैं है, सबके मैं का एक सार, एक मुंबा, एक माखन, एक उत्स, एक उद्गम, एक अधिष्ठान, एक प्रकाश, सबके हृदय में मैं बैठा हूं। तमवज्ञायम मर्त्यः कुरुते चाविलम्बनम्। मेरे उस रूप का तो मनुष्य परित्याग कर देता है और मेरी पूजा का भोग रखता है, मेरी पूजा की विडंबना करता है। अहम उच्चावतैर्द्रव्य ही क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर्चितो विचाया भूतग्रामावमान्यः। जो संसार के किसी प्राणी का तिरस्कार करता है, अवमान करता है, वो चाहे हजारों मन अन्न का भोग लगावे और हजारों लाखों करोड़ों रुपए से हमारी पूजा करे, मैं उसकी पूजा से संतुष्ट नहीं होता हूं। द्विशत पर काये माम मानिनो उभागो किसको, द्विशत पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शिना देशु वैरस्य न मन शांति मृक्षति। भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा के रूप में मैं, और जिससे तुम द्वेष करते हो, जिसको देखकर तुम्हारे दिल में जलन आती है, उसका आत्मा भी मैं। अपने पेट को बीच में रख करके तुम अपनी आत्मा से तो प्रेम करते हो और दूसरे आत्मा से द्वेष करते हो, परंतु वो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, तुम मुझसे द्वेष करते हो। जब किसी से द्वेष करते हो तब तुम मुझसे द्वेष करते हो। द्विशत पर काये माम दूसरे शरीर में मुझसे द्वेष करते हैं, मानिना अपने शरीर का अभिमान करते हैं, भिन्न दर्शिना दूसरे आत्मा को अपने से भिन्न समझते हैं। आप देखो आपके हृदय में द्वेष की आग करे तो पहले आपको जलाएगी, पीछे दूसरे के ऊपर उसकी चिंगारी पड़ेगी। भूतेषु वैरस्य न मन शांति वृच्छति। जो संसार के किसी भी प्राणी के प्रति वैर बांध करके अपने हृदय में रखता है, उसको शांति कभी नहीं मिल सकती। न मन शांति मृक्षति। जिसके मन में दूसरे के प्रति दुर्भाव है, द्वेष है, वैर है, उसको कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की पूजा कैसे करना, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम् मैत्रिया भिन्नेन चक्षुषा। भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल देव जी माता देवभूति से कह रहे हैं कि मेरा मंदिर ढूंढते हो कहा है, कि ये संपूर्ण प्राणियों का जो शरीर है वो मेरा आलय है, देवालय है, मेरा मंदिर है, मेरा निवास स्थान है। इसलिए चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, उसको मेरा मंदिर समझो, मेरा निवास स्थान समझो और उसकी पूजा करो। तो पूजा कैसे करें, अर्हये दानमानाभ्याम मैत्रिया भिन्नेन चक्षुषा।
दान करो, उसको कुछ दो, मान करो, उसका सम्मान करो, उसके प्रति मैत्री का, स्नेह का भाव रखो। मैत्रिया अभिन्न चक्षुषा, अपने आत्मा को और उसके आत्मा को अलग अलग मत समझो। यही भगवान की सबसे बढ़िया पूजा भगवान की यही है। दान करो, सम्मान करो, मैत्री का भाव रखो और अपने आत्मा को और उसके आत्मा को एक परमेश्वर रूप देखो। सबसे बड़ी पूजा है ये भगवान की। ये जो हमारे मन में इच्छाएं आती हैं और द्वेष आते हैं और ये पूर्व जन्म के संस्कार से आते हैं, माता पिता दादा परदादा नाना नानी के संस्कार से भी आते हैं, और गर्भ में जो माता खाती पीती है, जैसा सोचती है, पिता माता के मन में जैसा भाव होता है गर्भाधान के समय, उससे भी संस्कार आता है। और गर्भ में बालक के रहने पर माता जैसा सोचती है उसका भी संस्कार आता है, और जैसा वो दूध पीता है, जिसकी गोद में खेलता है, जिसको देखता है, उसका भी संस्कार आता है। तो स्वर्ग ये सृष्टि का स्वभाव ही है, जिसमें मनुष्य के मन में राग द्वेष का उदय होता है, द्वंद होता है, और उस द्वंद में मनुष्य इतना मोह कर बैठता है, इतना फंस जाता है कि सच्चाई को समझने के लिए उसके मन में कोई प्रवृत्ति ही नहीं होती, वो सत्य से मुकर जाता है। जो अपनी पसंद की चीजें पाने में और जो पसंद नहीं है उनको हटाने में, पसंद की चीजों को सताने में लग गया और नापसंद चीजों को हटाने में लग गया, ये सताने हटाने में जो लग गया, वो भीतर कौन बैठा है, कौन देख रहा है, भीतर हृदय के रोके से कौन झांक रहा है, उस आत्मा को परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए जब मनुष्य पूर्ण कर्म करता है और उसके पाप अंत को पहुंचते हैं, तो वे लोग द्वंद के मोह से छूटकर और दृढ़व्रत होकर भगवान का भजन करते हैं। जेषाम द्वंद गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वैसे भजन प्रारंभ करते हैं फिर छूट जाता है, चार दिन करते हैं छूट जाता है। देखो समय का नियम टूट जाए कोई बात नहीं, स्थान का नियम टूट जाए कोई बात नहीं, परंतु जो व्रत अपने जीवन में ग्रहण करें, उस व्रत का पालन करें, काल का लोप हो जाए, स्थान का लोप हो जाए, परंतु कर्म का लोप न होने पावे, दृढ़ता के साथ भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, भगवान का भजन करना चाहिए। व्रत में दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय भगवान कहते हैं, दृढ़ निश्चय होकर हमारा भजन करना चाहिए। जब भजन में लग जाओगे तो क्या आके हमारे साथ सटे और क्या हमसे हटके अलग हो जाए, और इसका ख्याल छूट जाएगा। जरा मोक्षायो मामाश्रित्य तंत्रिये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। देखो शरीर के पीछे परिवर्तन लगा है, जैसे क्षण छीज रहे हैं, क्षण क्षण छीज रहा है, एक एक क्षण बीत रहा है, वैसे कण कण भी छीज रहे। क्षण और कण असल में दो चीज नहीं है, प्रत्येक कण अपने क्षण में पैदा होता है, अपने क्षण में बीतता है, अपने क्षण में बदल जाता है। ये संसार के कण और क्षण जुदा जुदा नहीं होते हैं, ये भी एक मोह ही है।
कि हमको लगता है सोयम दीपोर्चिषाम तद्वत् श्रोतसाम तदिदञ्जलत् सोयम गुमान दिविदा मृषा धीर धीर मृषायुषा। श्रीमद् भागवत का कहना है कि ये वही दीप है जो घंटे भर पहले जल रहा था। सोयम दीपोर्चिषाम तद्वत् श्रोतसाम तदिदं जलम, ये जो झरने में पानी बह रहा है ये वही है जो कल बह रहा था। सोयम कुमान इति, ये वही पुरुष है जिसको मैंने कल देखा था। तो ये क्या है कि मृषा धीर धीर मृषायुषा, ये वचन भी अशुद्ध है झूठ है, ऐसा सोचना भी झूठ है। और ये इसलिए कि मनुष्य झूठे में ही झूठ में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, निहारेण प्रादृता जल किया। वेद भगवान कहते हैं ये मनुष्य अपना जीवन कैसा व्यतीत कर रहा है, न तम विदाथ जो इमा जजाना, जिसने इस विश्व सृष्टि को पैदा किया उसको आप नहीं जानते हैं। अन्यत दुष्माकम अंतरम बहुव, आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दूसरी चीज विभेद की बुद्धि भेदम ब्रह्म आ गया है। निहारेण प्रावृता, आपकी आंखें कुहासे से आच्छन्न हो रही हैं, बातचीत करने में आप बड़े निपुण हैं, इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं। निहारेण प्रादुर्का जल्या उक्खसा अशुद्रपा उक्खसा सच्चरण दे, ये मनुष्य की स्थिति हो गई है। तो देखो जरा जो है बुढ़ापा सिर पर सवार है, जिस जब पैदा होते हैं उसी क्षण से वो क्षण कारण और मन वो पकाने में लगा हुआ है और मृत्यु सामने है। हम लोग इस सत्य को देखते नहीं, इनसे मुक्ति पाने का उपाय क्या है? भगवान का आश्रय लो और प्रयत्न करो। गीता पौरुष का ग्रंथ, ये नहीं कि भगवान के मन में आएगा तो किसी दिन आके हमसे मिल जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। माने हमको ईश्वर से मिलने की कोई गरज नहीं है, जब ईश्वर को गरज होगी तब वो हमसे मिलने के लिए आवेगा। अरे भाई उसको गरज भी होगी किसी से मिलने की तो उसमें कोई विशेषता तो होगी ना। तो यतन कीजिए, जो ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करते हैं उनसे ईश्वर मिलता है। गुरु भाई अपने बल से तो नहीं मिल सकता, तमाम आश्रित उसी का आश्रय लो, उसी की शरण ग्रहण करो और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। और सच पूछो तो ईश्वर का मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। ईश्वर का मिलना उतना कीमती नहीं है जितना हमारे जीवन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न का होना है। और जो प्रयत्न करते हैं, हे ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम साधि भूता विदैवम माम साधि यज्ञ जे विदु प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसहा। प्रयत्न, भगवान का आश्रय लो, इसमें वस्तु बल का आश्रय है कि हम हीरा मोती सोना चांदी मकान राज्य भूमि भगवान को अर्पित करेंगे और उसके बल पर भगवान मिल जाएंगे। वस्तु का बल जरूर, अच्छा तो कोई मददगार हो वे हमको मिला देंगे, भगवान को वे मिला देंगे। तो भगवान कोई ऐसे नहीं है कि भगवान का कोई कान पकड़े और कहे चलो तुम उसको मिल जाए, ऐसा नहीं है।
एक विश्वास की बात अलग है, भरोसे की बात अलग है। ईश्वर जहां प्राप्त होता है वो अपने सूक्ष्मतम अंतर्देश का एक दिव्य प्रदेश है। हमारे हृदय में ही भगवत प्राप्ति होती है। वहां न बाहर का रुपया पैसा जाता, न बाहर की खुशी हुई विद्या बुद्धि जाती, न बाहर के मददगार जाते। वो तो भीतर ही भीतर अंतर में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उसका आश्रय लेना, उस भीतर वाले का सहारा लेना, बाहर वाले का सहारा नहीं लेना। माम आश्रित्य माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब धर्मों का परित्याग कर, मैंने वो कहते हैं आप अपने साधन का भी बल मत रख। इंद्रियां जिन विषयों में लगती हैं, सर्वेषां इंद्रियाणां धर्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि परित्यज्य, संपूर्ण इंद्रियों का जो धर्म है शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करना, श्री उड़िया बाबा जी महाराज बताते थे सात चीज छोड़ के बैठते, ध्यान करने बैठना हो तो सात चीज छोड़ दो और जागते रहो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख और दुख, इन सातों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में बैठ जाओ। इसका नाम क्या है? तो किसके साथ हम बैठते हैं? शब्द स्पर्श रूप के साथ बैठते हैं या इनको जाहिर करने वाली इंद्रियों के साथ बैठते हैं, या इंद्रियों में घूमने वाली मनोवृत्ति के साथ बैठते हैं? तो नहीं, इनको घूमने दो और तुम जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे दुनतिष्ठति, सबके हृदय देश में ईश्वर का निवास है। हमको क्या घूमने होंगे, हम तो तेरे पास में सबके हृदय में हृदेशे दुनतिष्ठति, सबके हृदय में परमेश्वर रहता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इस धर्म के बल से ईश्वर मिलेंगे ये छोड़ दो, विषयों का बल छोड़ दो, इंद्रियों का बल छोड़ दो, और जो छूटे हुए हैं उनको छोड़ दो। लेकिन जो अपना आत्मा है वो तो छूटता नहीं, कोई अपने आत्मा को अपने आप को छोड़ नहीं सकता। तो छोड़ किसको सकता है कि जो अपना आत्मा नहीं है और पकड़ के रखा गया है उसको छोड़ सकता है? छूटे हुए को ही छोड़ना होता है। तो उसको छोड़ना कैसे होता है कि छूटे हुए को छूटा हुआ समझ लेना, बस यही उसका छूटना है। तो परित्यज्य का अर्थ परित्यक्त न अवगोत, वे छूटे हुए हैं ऐसा समझ, जिनके बारे में सोचते हो इन्होंने हमको पकड़ रखा है, जिनके बारे में सोचते हो इनको मैंने पकड़ रखा है, वो तो तुम्हारी पकड़ है। असल में वो तो छूटे हुए ही हैं, ऐसा समझना ही परित्याग करना है। मां एकम शरणम ब्रज, अपने हृदय के मंदिर में सर्वधर्मान अनात्म धर्मान परित्यज्य मां एकम आत्मानम शरणम सर्वाधिष्ठानम ब्रज, आ जाओ अपने पास आ जाओ। अहंतेन अभिव्यक्तः अहम, मैं के रूप में प्रकट होता हूं मैं। सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अविद्या और अविद्या के कार्य से मैं मुक्त कर देता हूं। शोक और मोह स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। माम आश्रित्य यतन्ति, परमेश्वर का आश्रय लेकर अपनी ओर से
प्रयत्न करो, श्रवण करो। प्रयत्न में भी मुख्य प्रयत्न जो है वो स्वास्थ्य के लिए आप लोग चाहे जो आसन कर लीजिए, शरीर पर्यंत है। आप प्राणायाम कर लीजिए, उल्टे कर लीजिए, पांव ऊपर सिर नीचे, चाहे विपरीत करनी करिए और चाहे शीर्षासन कीजिए, वो दूसरी चीज है। भगवान का आश्रय दूसरी वस्तु है। माम आश्रित्य, भगवान पर विश्वास, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति और अपनी ओर से प्रयास करना। तो प्रयास क्या है कि जैसे कोई वस्तु नित्य परोक्ष हो स्वर्ग आदि के रूप में, उस सिवाय श्रवण के उसके ज्ञान की और कोई प्रणाली नहीं। सुनना पड़ेगा, शास्त्र से उसका श्रवण करना पड़ेगा। वाक्य ही प्रमाण होता है स्वर्ग के संबंध में, और धर्मानुष्ठान के साथ जो स्वर्ग का संबंध है उसके संबंध में, और वो आदि अंत उसमें श्रद्धा है, भावना है। परंतु परमात्मा के संबंध में नित्य परोक्ष है, अपने आत्मा के रूप में है परमात्मा, परंतु अज्ञात है। उस अज्ञातता को दूर करने के लिए और ज्ञातता उत्पन्न करने के लिए श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर के बारे में सुनिए तब मनन होगा, ईश्वर के बारे में सुनिए तब ध्यान होगा, ईश्वर के बारे में सुनिए तब भजन होगा, ईश्वर के बारे में सुनिए तब ईश्वर से प्रेम होगा। लोग सुने कैसे, क्या सुने, इसके लिए भगवान अपनी ओर से हो, अपनी ओर से सुनने की सामग्री देते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा आता है, दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्मतनो हो चरित महामृता की परिवर्त परिश्रमणा न परिवशंति के चिदपवर्ग मदीश्वर दे चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। अपने दुरवगम तत्व को सर्वसाधारण के लिए सुगम करने के लिए भगवान अवतार लेकर प्रकट होते हैं, शरीरधारी बनते हैं और ऐसे ऐसे चरित करते हैं कि उन चरित रूपी अमृतों के महासमुद्र बन जाते हैं। आप उसमें जरा उतरिए, उस चरित्रामृत के समुद्र में अवगाहन कीजिए, स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, उसको पीजिए, उसको देखिए, उसमें स्नान कीजिए, उसको पीजिए, उसमें डुबकी लगाइए। ये भगवान के चरित्र का अमृत महाम्भोगी है। उद्यंती, गुणंती, खेलंती, प्रविशंती, इसी में डूबो, इसी में उतराओ, इसी में टकराओ, इसी में खेलो, भगवान के चरित्र में। इसमें ऐसा मजा आता है, ऐसा मजा, ऐसा रस आता है। भजन माने कोई बेगार नहीं होती हो, बिना मन के काल दिया पूरा कर दिया। भजन माने तो रसास्वादन होता है। भजनम नाम रसनम, गोपाल तापनी उपनिषद में कहा कि भजन माने स्वाद लेना, और ऐसा स्वाद आता है। न परिलसंति के चिदपवर्गम ईश्वर पे, अर्थ की ओर से रुचि हट जाती है, प्रेम का रस लेने में रुचि हो जाती है, भोग नीरस हो जाता है और भगवान के स्मरण भजन में हर लगन फिक्री रंग चोखा आवे, वो रस आता है, वो रस। न धन का बोझ सिर पर लेना है,
न भोगों की पूर्ति के लिए प्यासा होना है, न धर्मानुष्ठान करना है, और तो और अपवर्ग की भी इच्छा नहीं रह जाती। न परिलशांति के चित अपवर्ग मवीश्वर दे। अपवर्ग शब्द का अर्थ होता अपवर्जन, अपवर्जनम अपवर्ग निषेध नेति नेति। महात्मा लोग कहते हैं नेति नेति करने की कोई जरूरत नहीं। आओ भगवत रस का आस्वादन करो, भगवान का रस लो, भगवान का आनंद लो। अपवर्जन करने की नेति नेति के निषेध की कोई आवश्यकता ऐसा है अपवर्ग, उसमें वर्ग नहीं है। अपगतो वर्ग जिसमें वर्ग भेद नहीं है, ये धनी है, ये गरीब है, ये धन है, ये भोग है, ये धर्म है, ये मोक्ष है, वर्ग रहित अवस्था है, उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं। परमम साम्य उपैति, कर्म समता की प्राप्ति होती है, उसको अपवर्ग होता है। अपगत वर्ग अपवर्ग, अपवर्जन अपवर्ग, और अपवर्ग जिसमें पवर्ग नहीं है। पाप पुण्य फल बंध भोग मोह कुछ नहीं। तो क्या है कि यहां तो रस का समुद्र उमड़ रहा है, रस के कण उड़ रहे हैं, रस की रश्मियां फैल रही हैं, रस की वायु प्रवाहित हो रही है। मधु पातारिताय मधु क्षरण की सिंधवा माधुरी नख संतोषदी मधु नक्तम उदोषसा। सायंकाल मधु है, प्रातःकाल मधु है, रात्रि मधु है, दिन मधु है, मधु ही मधु, मधु ही मधु। ये भजन, ये जो भजन है इसमें न वर्ग भेद है, न वर्ग भेद है, न पाप पुण्य फल बल बंध भोग मोक्ष है, कोई पवर्ग कोई है ही नहीं, और न इसमें नेति नेति है। ये तो क्या है, कई प्रत्यक्ष भगवत रस है, इसका श्रवण करो, यही यत्न है। जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना कान के रास्ते से ये परमेश्वर हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। भगवान नाक के रास्ते से आप भगवान के प्रसाद की तुलसी लेकर सुन लिए तो थोड़ा सा भगवत संस्कार आएगा। भगवान का प्रसाद जीभ से लीजिए तो उससे भी थोड़ा सा संस्कार आएगा। आंख से भगवान की मूर्ति को सत्पुरुषों को देखिए उससे भी थोड़ा संस्कार आएगा। आप स्पर्श कीजिए पंढरीनाथ, पंढरीनाथ को दोनों हाथ से पकड़ के अपने हृदय से लगा लीजिए उसका भी थोड़ा संस्कार आ रहेगा। लेकिन ये जो शब्द है, ये जो श्रवण है, ये कान के रास्ते शब्द के गर्व पर भगवान चढ़ते हैं और कान के रास्ते भक्त के हृदय में पहुंच जाते हैं। ये जो श्रवण है ये सर्वोपरि वेदांत में भी और भक्ति में भी। श्रवणम कीर्तनम विष्णो, विष्णु का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, और श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण कीजिए, संशय हो तो अनुकूल मनन कीजिए, अनुकूल चिंतन कीजिए, और श्रुत और मत जो पदार्थ है उसमें अपने मन को लगाइए, जतन कीजिए। हे ब्रह्म तद विदु, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। कृष्णम अध्यात्मम, वो संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। कर्म चाखिलम, वो समग्र कर्म को जान जाते हैं। साधु यज्ञ देविदु, अधिभूत सहित, अधिदैव सहित, अधियज्ञ सहित परमात्मा को पहचान लो। इन शब्दों का अर्थ अगले अध्याय आठवें अध्याय के प्रारंभ में प्रश्नोत्तर के रूप में अर्जुन ने प्रश्न किया है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है,
अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, ये अलग अलग अर्जुन ने प्रश्न करके पूछा है और आठवें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने उसका उत्तर दिया है। आप पूरा सा ध्यान दें, परमेश्वर को समग्र रूप से जानना ये सातवें अध्याय के प्रारंभ में बात कही गई। मैया सक्तमना पार्थ योगम गुंजन्मदाश्रय, भगवान का ही भरोसा और भगवान से ही प्रेम और अपने साधन में लगन, तत्परता, साधन करते रहो, प्रेम भी भगवान से और आश्रय भी भगवान का, इससे फल क्या निकलेगा, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्य से, समग्र परमेश्वर का ज्ञान होता है। ये भागवत धर्म की विशेषता है, आत्मा की समग्रता का ज्ञान ये कश्मीरी सही दर्शन है। अपना आत्मा ही तरंगायमान हो रहा है संपूर्ण विश्व के रूप में, और भगवान ही अनेक रूप धारण करके विलास कर रहे हैं जगत के रूप में, ये भागवत सिद्धांत है। भागवत सिद्धांत तत्पदार्थ की ओर से आता है और शैव सिद्धांत आत्म पदार्थ की ओर से आता है, और वेदांत यहां आत्मा की आत्मा और वहां भगवान की आत्मा दोनों को एक बताता है, उसमें आत्मा और भगवान का कोई भेद नहीं है। तो ये दोनों सिद्धांत ये बताते हैं कि परमात्मा समग्र है, वो समग्र, समग्र माने वही अद्भुत है, वही अधिदैव है, वही अध्यात्म है, वही अधिगज्ञ है, वही कर्म है और वही ब्रह्म है, ये वेदांत का बताना ये है। तो तद ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकुलम, जान लीजिए, समझ लीजिए कि सबके रूप में परमेश्वर है, अपना आत्मा ही सबके रूप में है, आत्मा ही वेदम सर्वम, स एवेदम सर्वम, सबके रूप में परमेश्वर है, और अपने शरीर के प्रति, शरीर के संबंधियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, विद्या के प्रति, बुद्धि के प्रति, जाति के प्रति अहंकार धारण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत धर्म का ये स्वरूप है कि उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, बल्कि अहंकारी के बारे में तो भागवत में ऐसा बोलते हैं तो सब भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि सबकी आत्मा भगवान है। देखो सब भगवान है, हम सब में भगवान को देख सकते हैं, सब समय भगवान है, सब समय भगवान को देख सकते हैं, सब स्थान में भगवान को देख सकते हैं, परंतु भगवान के देखने में पर्दा क्या पड़ता है, भागवत में बताया ये लोग भगवान का नाम देने के अधिकारी नहीं। तो कौन जन्मैश्वर्य सुरतश्री ही एधमानमद कुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम, जिसको अपनी जाति का अभिमान है, जन्म, जिसको अपने ऐश्वर्य हुकूमत का, कुर्सी का अभिमान है, श्रुत विद्या का अभिमान है, श्री धन का अभिमान है, इसका नशा खा जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एध मान मदान, इससे नशा बढ़ता है, नशा बढ़ता है, और जब नशा आ जाता है, खा जाता है, नई बार हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम, तब वो परमात्मा का नाम लेने का भी अधिकारी, नाम लेने का भी हकदार नहीं होता है। इसलिए जब हम सब में भगवान को देखने लगते हैं तो स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, एक सहज जीवन की प्राप्ति होती है, पराश्रित जीवन नहीं रहता है, पराश्रित जीवन नहीं रहता है, दुखमय जीवन नहीं रहता है, अज्ञानमय जीवन नहीं रहता है, एक दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है,
जब हमारे हृदय में सर्वत्र भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन का आनंद आने लगता है। तो ये जो ज्ञान है, ये ब्रह्म तद्विदु, तो अधिदैव भी भगवान का स्वरूप है, अधिभूत भी भगवान का स्वरूप है। अधिभूत कहता है ये पृथ्वी जल अग्नि आदि अधिभूत है, अधिदैव सूर्य चंद्र इंद्र आदि अधिदैव है, और भूत भावो भव करा, जिससे नई नई चीजें जिससे पैदा होती हैं, और वो ब्रह्म जो सबकी आत्मा है, ये सब क्या है? आदि यज्ञ जो सबके हृदय में रहकर केवल यज्ञ कर रहा है। लो रोशनी, देखो आंख से, कल्लो श्रवण शक्ति सुनो, कल्लो त्वचा स्पर्श करो, यज्ञ कर रहा है व्यवहार। लो जीव, इससे रसास्वादन करो, लो नासिका, इससे गंध सूंघो, कल्लो शरीर, इससे धर्मानुष्ठान करो, लो अंतकरण, इससे उत्तम उत्तम विचार करो। परमात्मा हमेशा यज्ञ करता रहता है, वो यज्ञ रूप, स्वयं यज्ञ रूप है। तो हम लोग अनुचरेण सूर्या चंद्र मसा इव, जैसे सूर्य यज्ञ कर रहा है सबको रोशनी दे रहा है, जैसे चंद्रमा यज्ञ कर रहा है सबको आह्लाद दे रहा है, और बोले ददता ज्ञानता अघनता संगम नहीं, हम एक दूसरे को कुछ न कुछ दें, दूसरे को समझें कि जो मेरे अंदर है वही इसके अंदर है, और अघनता किसी की हिंसा न करें, किसी को दुख न पहुंचावें। पुनर्दता जानता अघनता संगमे मही, हम लोगों का फिर मिलन, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को कुछ दें, एक दूसरे को नुकसान न पहुंचावें। क्यों? ये यज्ञ स्वरूप जो परमात्मा है वो सब जगह बैठ करके कुछ न कुछ यज्ञ कर रहा है, दे रहा है। सर्वभूतेषु मधुभावम् ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधिजज्ञ, ये सब के रूप में कौन है? तब परमेश्वर है। तो इस परमेश्वर को जान लो, तब नवे अध्याय का अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तब आत्मीय अध्याय का अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुरभक्तार्थ, तब आपका चित्त अनन्य हो जाएगा, तब आप भगवान के प्रति अनन्य हो जाएंगे। जो आपके सम्मुख आता है, जो आपको दिखता है, उसमें भगवान को देखिए। और ये कब देखना होगा? जब आप भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। ये हमारी जो श्रुति है, ये हमारे कान है, ये हमारी जो श्रुति है श्रवण है, ये श्रवण ही हमारे मन को मार्ग दिखाता है, हमारे हृदय में परिवर्तन करता है। अब आपकी बात को आप जाने, हमको सचमुच भगवत स्वरूप, भगवत तत्व, भगवत रहस्य, भगवत गुणानुभाव, भगवत चरित्र और भगवत वाणी, इनके बोलने में हमको स्वयं को जो आनंद प्राप्त होता है उसके कारण मैं बोलता हूं, वो आनंद ही हमसे बुलवाता है। यदि वो आनंद नहीं हो तो हम बोल नहीं सकते। तो इस आनंद के निमित्त आप लोग बनते हैं, भगवान आप लोगों को इस बोलने का निमित्त बनाता है। तो आपके भीतर वही प्रभु बैठा हुआ है जो यहां बैठ के बोलने की शक्ति देता है और वहां बैठकर बोलने की प्रेरणा देता है। वो दोनों दो नहीं है, बिल्कुल एक है। इसलिए न तो कोई कृतज्ञता है, न तो कोई आभार है, न तो कोई धन्यवाद है। बस जो भगवान कर रहे हैं उसमें आनंद ही आनंद है। तो शांति।